भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 22 नवंबर से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। इसका पहला मैच पर्थ में आयोजित होगा। इससे ठीक पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लग चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओपनर शुभमन गिल चोटिल हो गए हैं। शुभमन गिल फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए हैं। अगर वे पर्थ टेस्ट में खेलने से पहले फिट नहीं होते तो उन्हें मैच से बाहर होना पड़ेगा। गिल टीम इंडिया के लिए तीसरे नंबर पर बैटिंग करते हैं, वे ओपनिंग भी कर चुके हैं। रिपोर्ट की खबर के अनुसार शुभमन गिल शनिवार को फील्डिंग के दौरान चोटिल हुए, उनकी उंगली पर चोट लगी है। गिल की चोट पर अभी तक आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच 22 नवंबर को खेला जाएगा। इसमें अभी वक्त है, अगर गिल तब तक ठीक नहीं होते तो उन्हें टेस्ट से बाहर होना पड़ेगा। गिल भारत के लिए कई मौके पर शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं, ऐसे में उनका चोटिल होना टीम की टेंशन बढ़ा सकता है। गिल की इंजरी पर अभी आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इस पर अगले 3 दिनों में जानकारी दे सकता है। वहीं टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा अभी पर्थ नहीं पहुंचे हैं। रोहित की वाइफ रितिका ने बेटे को जन्म दिया है, लेकिन अब रोहित जल्द ही ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। अगर वे पहुंच गए तो यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग कर सकते हैं। अगर गिल बाहर हुए तो केएल राहुल या विराट कोहली नंबर 3 पर बैटिंग कर सकते हैं। कोहली पहले नंबर 3 पर बैटिंग करते थे, वहीं राहुल लोअर मिडिल ऑर्डर में ही आ सकते हैं। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।